कुछ चीजें हैं जो बड़ी सूक्ष्म होती है, जैसे ईर्ष्या। ईर्ष्या बड़ी सूक्ष्म होती है, वो पकड़ी नहीं आती। ईर्ष्या को लोग जस्टिफाई भी करते हैं, नहीं, नॉट दैट, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं, मैं तो उनका भला ही चाहता हूं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का प्रतीक क्या है, ईर्ष्या का कैसे पता लगेगा? अगर कोई सामने तारीफ कर रहा हो, लेकिन तारीफ के बाद अगर वो लेकिन लगा दे, इसका मतलब अंदर कीड़ा है। हाँ वो अच्छे भक्त हैं लेकिन, हाँ वो मृदंगा अच्छा बजाते हैं लेकिन, हाँ वो कीर्तन तो अच्छा करते हैं लेकिन, हाँ वो बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं लेकिन, जहां पर ये बट आया था ना, या इज गुड बट यू नो, बट का मतलब है इसके पहले का जो सेंटेंस है वो नलीफाई कर रहा हूं मैं, असली बात तो मैं अब बोल रहा हूं। तो ईर्ष्या को तो लोग जस्टिफाई भी कर लेते हैं, ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म होती है, पकड़ भी नहीं आती एक्चुअली। तो जो जितनी चीज ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा वो हाथ में आने में दिक्कत होती है, वो मतलब उसको पकड़ा नहीं जाता, वो उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, फिलोसोफाइज कर लेंगे उसको, लाइक दैट। जैसे अहंकार है, ये भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन लोग अहंकार को जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट दैट इट इज माई ईगो, ऐसा नहीं है, नॉट दैट मेरे में कोई ईगो ईगो है, ना ना, होती ईगो ही है। जैसे ईगो का बड़ा अच्छा शब्द है आत्मसम्मान, क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हमारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? ये अच्छे शब्द हैं सुनने में, कितने अच्छे लगते हैं, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, कितने अच्छे शब्द हैं। क्या हम डोरमैट हैं? हमारे भी तो मतलब कोई व्यक्तित्व है, बेसिकली ये बोल रहा है कि देखो हमारी भी कोई ईगो होती है, लेकिन ये बोलने में कितना अजीब लगेगा, वो बोले भाई हमारी भी तो कोई ईगो है, ओहो इसको थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, हमारी भी तो कोई सेल्फ एस्टीम है, हाँ ये अच्छा लग रहा है सुनने में। सो जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो बाद में निकलती हैं, जो ग्रॉस चीजें होती हैं वो जल्दी आ जाती हैं हाथ में, लेकिन नो डाउट ग्रॉस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं ग्रॉस से निकलना आसान है, ना 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 ना। प्रभुपाद जी बोला करते थे, बिकमिंग फ्री फ्रॉम लस्टी डिजायर्स मींस यू आर 50% लिबरेटेड। अगर कोई काम वासनाओं से मुक्त हो गया है तो 50% लिबरेटेड है, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है जी। या तो इसीलिए हृदय में ये जो जब तक ये अनर्थ बने होंगे, अनर्थों का साफ होना बहुत अधिक जरूरी है। भक्ति समारा बोला करते थे, वी शुड बी वेरी डेस्परेट टू गेट रिड ऑफ द अनर्थस सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा प्योरली। हमें बहुत ज्यादा इच्छुक रहना चाहिए कि अनर्थ जल्दी जल्दी कट जाए, ताकि हम कृष्ण की प्रेममय सेवा जल्दी से जल्दी कर सकें, बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसीलिए, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर अनर्थ निवृत्ति करनी है तो ये जो बेसिकली मंदिर को साफ करते हैं तो हृदय का शुद्ध होना, ये बेसिकली है क्या, ये अनर्थ निवृत्ति है। तो इसलिए भक्ति प्रभुपाद बोला करते थे कि अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो, अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करो। अर्थ प्रवृत्ति का मतलब है कि भक्ति में जो डूज हैं उनकी चिंता करो, डोंट्स की चिंता मत करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये नहीं करना वो नहीं करना, उसकी इतनी चिंता मत करो। ज्यादा चिंता करो क्या करना है। अगर हम अर्थ प्रवृत्ति की चिंता अच्छे से करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति अपने आप ही होती चली जाती है। अन्यथा कोई सोचे मैं ईर्ष्या से निकल जाऊंगा, मैं काम क्रोध से निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं निकल सकते। करना क्या है उसके लिए उस पर फोकस करना पड़ेगा, हम उस पर फोकस करते हैं तो हृदय की शुद्धि होती है वास्तव में। तो इसलिए अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करो, अनर्थ निवृत्ति की चिंता मत करो। इसलिए प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी ना अनर्थों पे बहुत वो नहीं करते थे। प्रभुपाद जी बोले बस जस्ट लिसन, दैट्स इट। प्रभुपाद मेरा मन भागता है, यहाँ वहाँ भागता है, जहाँ नाम जप करते हैं मेरा मन भागता है। प्रभुपाद ने कहा लेकिन मन का तो काम ही नहीं है, बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है, दैट्स इट। तो प्रभुपाद जी इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं क्या करते थे, ना 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 किसी का वो अनर्थ वगैरह। फोकस ऑन अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ प्रवृत्ति, हरि नाम सुनना है, हरि कथा सुननी है। जैसे भीमसेन जी ने कैसे मारा बकासुर को, एक तो बकासुर है जो वो द क्रेन डीमन जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा, एक बकासुर है जिनको भीम ने मारा। तो बकासुर के पास बेसिकली उसका पूरा कार्ड भर करके उसके लिए खाना लेकर गए थे कि ये खाना होता था, उसके बाद फिर बंदे को ले खाता था जो कि लेकर के आया ये सामान। भीम ने कहा वो क्या खाएगा भाई, इतना बढ़िया सामान है तो हम ही खाएंगे और क्या। तो भीम ने जो है खाना शुरू कर दिया। अब ये बकासुर कहे भाई आज बहुत डिले हो गया, ये चाहिए चक्कर क्या है, आए आए नहीं बाहर देखा हो खा रहे भीम। कहते हे तू खा रहे, कहते हाँ टेस्टी है खा रहा हूं। तो इसने अटैक कर दिया भीमसेन जी के ऊपर। भीमसेन जो इसे लेफ्ट हैंड से लड़ रहे थे इसे डिशुम, और यहां से खा रहे थे टेस्टी टेस्ट टेस्टी टेस्टी। ऐसी भक्को भी करना चाहिए, हरी कथा और हरी नाम जो है वो लेता रहे और साथ साथ में अनर्थों से लड़ता रहे, काम क्रोध से डिशुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम राम। तो ये हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम करते रहते हैं तो उससे फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.